मैं सुरेंद्र चौधरी, अखिल भारतीय युवा जाट महासभा का आगरा का जिलाध्यक्ष। आज किस संबंध में बिचपुरी ब्लॉक के प्रधान, ग्राम बिचपुरी के प्रधान भाई प्रदीप चौधरी जी पर आज से 20 दिन पहले जिस तरह से कारण हमला हुआ है और शासन प्रशासन द्वारा दोषियों को जेल नहीं भेजा जा रहा है, उसी के विरोध में पूरे आगरा जिले के प्रधान संगठन के और किसान संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी शासन प्रशासन से मांग है जो भी दोषी हो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये प्रधान संगठन जब तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी। ये तो हमारे यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए हैं और संगठन के लोग बैठे हैं वही तय करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी हमारा समर्थन हमेशा रहेगा। क्षेत्रीय पुलिस को जिस तरह से तत्परता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई है, इस बात को लेकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा रोष है कि जब प्रधान एक गांव का मुखिया होता है उसके साथ अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो निंदनीय है। मैं अजीत चाहर, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बरारा। देखिए, लगभग 22 दिसंबर को घटना होती है, हमारे एक प्रधान साथी को अपहरण करके जान से मारने का प्रयास किया जाता है। प्रधान होता है वो भी जनता का प्रतिनिधि है और लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। प्रधान कोई कमजोर नहीं है, लेकिन मर्यादाओं के दायरे में रहते, लोकतंत्र के बीच में रहते हुए केवल शासन प्रशासन से कार्रवाई चाहता है। आज एक प्रधान के साथ घटना हुई है, कल कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। सारे प्रधानों ने एकजुट होकर तय किया कि एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधान इतने कमजोर नहीं है जिले भर के, अगर चाहें तो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगा के पूरे आगरा का घेराव भी हो सकता है और जिस तरह दिल्ली का दाना पानी बंद होता आगरा का भी कर सकते हैं, लेकिन केवल शासन प्रशासन को आगाह किया जा रहा है कि प्रधानों की कमजोरी को फ़ायदा नहीं उठाया जाए, उनकी जो शांति प्रवृत्ति है उसका फ़ायदा ना उठाया जाए और ऐसा ना हो कि कोई भी इन गुंडा प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई ना हो तो कम से कम जिले भर के प्रधानों को इकट्ठा होकर के बड़ा प्रदर्शन। अभी कोई अधिकारी नहीं आया, सूचना आई है कुछ अधिकारी आने वाले हैं लगभग। क्या सूचना दी गई आप लोगों को? यही है कि कोई ना कोई अधिकारी अभी हमारे बीच में आके हमारी मांगों को ज्ञापन लेने के लिए आएगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई है जब से? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है कि जिससे कि प्रधान साथीगण संतुष्ट हो सके। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्रधान संगठन कहाँ तक? प्रधान संगठन आगे एक हिंदू महापंचायत और प्रधान संगठन की एक महापंचायत का आयोजन करेगा जो कि जिले में इकट्ठा होकर लाखों की संख्या में जो ग्रामीण हैं जो प्रधान को वोट देते हैं वो भी उनके साथ में खड़े होकर एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करने का प्रयास करेंगे। जी, मैं प्रदीप प्रधान बिचपुरी, और जैसा कि आपको पता है मेरे साथ में 22 तारीख की घटना होती है, एक अपराधी किस्म का व्यक्ति शौकतली मेरे साथ घटना करके जाता है, लेकिन 22 तारीख से लेकर आज तक कोई भी कार्रवाई शासन प्रशासन ने नहीं की है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन का इतना प्रिय व्यक्ति वो क्यों है, उसका इतना आपराधिक इतिहास रहा है, 302 में भी वांछित है वो, उसको आजीवन कारावास भी हुआ है, छेड़छाड़ के मुकदमे सैकड़ों पुलिस वालों से उसने मारपीट की है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो, गैंगस्टर की कार्रवाई हो उस पर। जी।